पाठ दो धरती का अंदरूनी अते बाहरला रूप चट्टान किसनू आखदे हन उन्हां सारे पदार्थां नू जिन्हां तो धरती का चापड़ बनता है जा बनिया है उसनू चट्टान आखदे हन। मैगमा किसनू आखदे हन पिघले हुए तरल पिघले हुए लावे नू मैगमा आखदे हन। पिघले हुए तरल पदार्थ जा पिघले हुए लावे नू मैगमा आखदे हन। अग्नि चट्टान तो की भाव है अग्नि चट्टान तो भाव अग्नि चट्टान तो भाव उच्चे तापमान अधीन बनिया चट्टाना अग्नि चट्टाना तो भाव इतने भाव पा लिया मैं लिखना भुल गया। अग्नि चट्टाना तो भाव उच्चे तापमान अधीन बनिया चट्टाना अग्नि चट्टान वो चट्टान होंदी है जो उच्चे तापमान के अधीन बनदिया हन। तरल अते गर्म तरल अते जो गर्म लावा ठंडा हुंदा है तो हौली हौली ठंडा होने ते अग्नि चट्टाना का निर्माण हुंदा है। इस दियां उदाहरणां हन ग्रेनाइट गैबरो। खालिस्तान जदों लावा जमीनी भाग के बाहर निकलता है तो की हुंदा है तो पहाड़ बनते हैं जिवें जापान का फ्यूजियामा पहाड़ ने वह लावे दे जमीनी भाग के बाहर निकल तो ठंडा होने तो बने हैं जो जापान के फ्यूजियामा पहाड़ ने वह लावा जमीनी भाग तो बाहर निकलिया तो वह पहाड़ बने वो एक उदाहरण हैं एग्जाम्पल हैं। तो जो लावा जमीनी भाग के बाहर निकलता है तो पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। निर्माण के आधार पर चट्टाना तीन प्रकार दियां होंदियां हैं निर्माण के आधार पर चट्टाना तीन प्रकार दियां होंदियां नाइफ विच जो नाइफ है धरती का सब तो अंदरूनी भाग जिसनों असी कोर कह देंदे हां तो नाइफ बनेगा निकल अते लोहा निकल अते लोह तत्त बधेरे मात्रा विच पाए जांदे ने नाइफ विच। सही जां गलत धरती के तीन भागों विचों अंदरला भाग जिसकी मोटाई सही विकल्प चुनो धरती के तीन भागों विचों अंदरला भाग जिसकी मोटाई 3470 किलोमीटर है इस केंद्रीय भाग नू की आखते हैं इस केंद्रीय भाग नू नाइफ आखते हैं जो निकल अते फेरस ऑक्साइड भाव लोह तत्तां तो बनया है। जो तरल पदार्थ धरती सतह पर आ जाता है तो उसनू लावा कहा जाता लावा मैगमा दे ठंडा हो के बन वाली चट्टाना केड़ियां चट्टाना हन वो हन अंतरवेदी अंतरवेदी चट्टाना होंदिया ने। जो लावा धरती के अंदरूनी भागों के ठंडा हो जाता तो ये चट्टाना अंदर ही बनदिया हन अंतरवेदी ते जो जो अंतरवेदी चट्टाना हैं इहदे उदाहरण हैं ग्रेनाइट ते गैबरो। रणजीत अपनी पढ़ाई पूरी करन तो बाद सब्जी बीज के बेचण दा कारोबार करन लई जमीन खरीदनी चाहुंदा है उसनू वधेरे सब्जी की पैदावार लई किस किस्म की जमीन खरीदनी चाहीदी है उपजाऊ जमीन जिस ते वधिया पैदावार हो सके उसनू असी कहिंदे हां उपजाऊ जमीन तो उसनू ये जमीन खरीदनी चाहीदी है। इस तो अगे यही काम साडा आ गया इंग्लिश मीडियम विच वट इज़ ए रॉक कॉल्ड ऑल द मटीरियल्स फ्रॉम विच द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड उसनू असी रॉक कहिंदे हां चट्टान कहिंदे हां। वट इज़ मैगमा कॉल्ड द हॉट लिक्विड इज़ कॉल्ड मैगमा गर्म तरल नू गर्म लावे नू असी मैगमा कहिंदे हां द हॉट लिक्विड इज़ कॉल्ड मैगमा। वट इज़ मीन्ड बाई इग्नियस रॉक्स अग्नि इग्नियस मीन्स फायर इन लैटिन लैंग्वेज लतीनी भाषा विच इसका मतलब है इसका भाव है अग। फिल इन द ब्लैंक्स वैन द लावा कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ तो किसकी फॉर्म ले लैंदा है माउंटेन्स की पहाड़ों की।
रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। निर्माण के आधार पर चट्टाना तीन प्रकार दियां हुंदियां हन। द एलीमेंट्स निकल एंड फेरस आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन नाइफ। नाइफ के विच की पाया जाता एन आई निकल एफ ई फेरस। तो इन्हों दोनों शब्दों तो ही नाइफ बनया है। एन आई निकल एफ ई फेरस ऑक्साइड लो तत्। चूज द करैक्ट ऑप्शन। द इनर पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ 3470 किलोमीटर थिक। वट इज़ द सेंट्रल पार्ट कॉल्ड नाइफ, जिसनों असं नाइफ कहते हाँ, जो निकल और फेरस ऑक्साइड का बनया है। वैन द हॉट लिक्विड कम्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज़ कॉल्ड लावा। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स ऑन कोडिंग ऑफ कूलिंग ऑफ ऑन कूलिंग ऑफ मैगमा आर कॉल्ड विच काइंड ऑफ रॉक्स। इंट्रासिव रॉक्स, अंतरवेदी चट्टाना बन दिया नेगियां जो अंदरूनी भागों के विच ये लावा ठंडा होंदा गा। रणजीत वांट्स टू बाय लैंड टू स्टार्ट ए वेजिटेबल सेलिंग बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। वट काइंड ऑफ लैंड शुड बी बाय टू ग्रो मोर वेजिटेबल्स, फर्टाइल सॉइल। इस तरह असी अज वाली स्लाइड का काम अंग्रेजी और पंजाबी मीडियम में किया। तो वध विद्यार्थियों वीडियो शेयर करो ता जो वो अपना अपना काम कर सकन। धन्यवाद।